नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जाओ जो माओ का वेट कर रहा होता है माओ भी उसके पास पहुंच जाती और हंसते हुए पीछे से आकर हक कर लेते हैं, सॉरी करने लगते है कि मैं ट्रैफिक में लेट हो गई और साथ में उसका बर्थडे गिफ्ट भी उसे देने लगते तो वो ओपन करके देखने वाला होता है तो माओ उसे मना कर देती है कि अभी ओपन नहीं करना, घर जाकर ओपन करना। तो वो अभी ओपन नहीं करता और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए काफी तुम्हारा फेवरेट खाना मंगवा लिया है। अब माओ खाने तो लगते हैं पर उससे पहले जाओ से पूछता है कि टिंगटिंग तो आज तुम लेकर आने वाली थी ना वो कहाँ पर है, तो वो कहते है कि बस टिंगटिंग ने मना कर दिया यहाँ पर आने से और उसको सच बात तो नहीं बताती। और फिर टिंगटिंग के बारे में ये कहने लगती है कि मैं उसकी कस्टडी लेना चाहती, तो वो कहता है कि हाँ ठीक है मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। तो वो बताती है कि जब मैंने डिवोर्स लिया था तो मैंने एक ऐसे पेपर पर साइन किए थे जिससे मैंने ये कहा था कि मैं टिंगटिंग की कस्टडी नहीं लूंगी, पर अब मुझे उसकी कस्टडी लेनी है, क्या मैं ये केस जीत सकती हूँ? तो वो कहता है कि तुम्हारा लॉयर मैं बनूंगा तो देखना हम ये केस जीतेंगे। ये कहकर खाने लगते तो माँ कहती है कि हमें अपने रिलेशनशिप के बारे में वापस से सोच लेना चाहिए, मेरा एक बेटा और मैं उस बेटे को वापस लेना चाहती हूँ ताकि वो फ्यूचर में मेरे साथ आए, तो तुम्हें भी इस रिलेशन के बारे में सोच लेना चाहिए क्योंकि कब तक तुम अपनी मॉम से ये बात छुपा कर रखोगे। अब इस बात से जाओ कुछ बोलने लगता तो वो कहते हैं कि तुम्हें अभी कुछ भी आंसर देने की जरूरत नहीं है, मैं रेस्ट रूम जा रही हूँ, ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद ये भी वहाँ से निकल आता और जाते हुए भी उसके बारे में सोचा होता है। घर पर सभी लोग जाओ के आने का वेट कर रहे होते, उसके लिए केक भी लेकर बैठे हुए थे। काफी टाइम वेट करने के बाद चैंगवन जाओ को मैसेज करती है कि तुम कहाँ पर हो, सभी लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। वैसे जब याओ आता तो उन्हें लगता है कि जाओ आ गया है, तो याओ को देखकर तो चैंगवन की मॉम चुपसी हो जाती है, पर उसके डैड याओ को साथ बैठने को बोलते हैं कि तुम्हें भी यहाँ पर बैठकर हमारे साथ खाना चाहिए, आज जाओ का बर्थडे है। पर वैसे ही चैंगवन को जाओ की तरफ से लोकेशन आ जाती है, मतलब वो उसे वहाँ पर बुला रहा था। अब वो ये तो नहीं बताती कि उसने लोकेशन कहाँ की भेजी है, कहने लगती है कि मैं उसको वापस जल्दी लेकर आती हूँ, मैं जा रही हूँ, ये कहकर जाने तो लगती है। पर याओ कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ और डैड कहते हैं कि मैं ले जाता हूँ। अब वो सभी लोगों को मना करने लगते है कि नहीं मैं खुद चली जाऊंगी, ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अब उसकी मॉम तो उदास हो जाती है कि जाओ तो अपने बर्थडे पर भी घर पर नहीं आया। याओ कहता है कि आज मेरी बर्थडे है, आप लोग मेरी बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हो। मिस्टर माई कहने लगते हैं कि क्या सच में, तो वो कहते हैं कि हाँ सच में। पर चैंगवन की मॉम कहती है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि मैंने कपड़े धोते हुए तुम्हारे आईडी कार्ड को देख लिया था, वहाँ पर तुम्हारी ये डेट ऑफ बर्थ नहीं है। तो अब वो इस बात पर चुप हो जाता है और चैंगवन के डैड भी कहते हैं कि तुम्हें भूख लगी होगी तो खाना चाहिए। अब वो तो खाने लगता है, चैंगवन की मॉम वहाँ से उठकर चली जाती है। चैंगवन भी जाओ के पास पहुँच जाते उसे कहने लगते है कि क्या हुआ है, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन था जो तुमने मुझे मिलने के लिए बुलाया, थैंक्स इतना यकीन करने के लिए, और साथ में उसके लिए केक भी लेकर आई हुई थी। अब वो केक साइड में रख देता है और ये इसको एक एक करके कार्ड देने लगती है। पहले तो इसने अपने भाई को कार्ड दिया हुआ था कि तुम अपनी मर्जी से कुछ भी ले लो, उसके बाद याओ ने भी इसको एक कार्ड दिया हुआ था और टैड ने भी इसको एक कार्ड दिया हुआ था। तो कहने लगती है कि कैसा कोइंसिडेंस है कि तीनों लोगों ने तुम्हें कार्ड ही दिया है और ये सबकी तरफ से उसे गिफ्ट हो जाते हैं। तो चैंगवन उसे कहती है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी वापस जाने के लिए, पर उसको घर पे बने खाने की भी पिक दिखाने लगती है कि आज मॉम ने तुम्हारे लिए सारी तैयारी की हुई थी। तो जाओ उसे कहने लगता है कि मैं मॉम की वजह से परेशान नहीं हूँ बल्कि कोई और रीजन है। तो वो बोल देती है कि क्या तुम माओ की वजह से परेशान हो, तो वो कहता है कि हाँ, और सारी बात माओ की बता देता है। तो वो कहती है कि तुम्हें जो लगता है तुम्हें वही करना चाहिए। तो वो कहता है कि मैं तो बस उसे सपोर्ट करना चाहता हूँ, मुझे टिंगटिंग से भी कोई इशू नहीं है और उसकी कस्टडी भी उसे वापस लेकर दूंगा, यहाँ तक कि माओ को तो मिलने भी तैयार नहीं जा रहा, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे होटल में एक पेरेंट्स और चाइल्ड का फंक्शन रखा जाए जहाँ पर टिंगटिंग के स्कूल के बच्चे बुलाए जाए और इसी बहाने माओ भी अपने बेटे के साथ खुल मिल जाएगी और वो भी माओ को अच्छा समझने लगेगा। अब इस बात के लिए तो वो फौरन से हाँ कर देती है कि हाँ हाँ कोई इशू नहीं है। अब चैंगवन जब वापस आते हैं तो उसकी मॉम तो इसी वेट में होती है कि जाओ भी साथ में वापस आएगा, पर जाओ वापस नहीं आता। अब वो फिर से नाराज होकर बैठ जाते हैं कि जाओ का तो गुस्सा मुझसे गया ही नहीं है, वो तो वापस आया ही नहीं। पर चैंगवन उन्हें कहती है कि जाओ ने मुझसे बोला है कि वो वापस आएगा और कहने लगते है कि वो हमेशा से लिविंग रूम में सोता रहा है, इसी वजह से घर में कोई भी मेहमान आता है तो आप उसकी चीजें उठाकर बाहर रख देते और वापस भी नहीं रखते उसकी जगह पर, तो आपको उसको एक अपना रूम भी देना चाहिए। और उसकी जॉब वाली बात भी करने लगते है कि मेरी वजह से उसकी जॉब चली गई क्योंकि मेरा रिलेशन खराब हुआ तो उसकी जॉब चली गई। अब उसके बाद उसने डिलीवरी वाली जॉब स्टार्ट कर दी थी, वो हर जगह पर जाकर डिलीवरी देता था। ये सुनकर तो उसकी मॉम शौक हो जाती क्योंकि उन्हें तो जाओ की इस जॉब का पता ही नहीं था। वो कहने लगती है कि वो इतना डेंजरस काम कर रहा था, वो तो कहीं पर भी गिर सकता था, इलेक्ट्रिक बाइक पर इधर उधर गलियों में घूम रहा था ना। तो चैंगवन कहती है कि हाँ वो तो मैंने इसे देख लिया था, वरना ये बात उसने किसी को भी नहीं बतानी थी और फिर उसने मुझे भी बताने से मना कर दिया क्योंकि वो सिर्फ अपने तक बात रखता है, इसी वजह से उसने आपको ये बात नहीं बताई और ना कभी आपने पूछी, आप कभी भी उसकी बातों को सुनती नहीं, आपको उसकी बातों को सुनना चाहिए। पर उसकी मॉम तो जाओ की डिलीवरी वाली जॉब सुनने के बाद ही बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और चैंगवन से थैंक्स कहने लगती है और रोने लगी थी। तो चैंगवन कहती है कि मॉम रोए तो ना, और इधर माओ जो बैठ के काम कर रही होती है तो उसे यही हो रहा होता है कि क्या जाओ उसे छोड़कर चला गया है। अब यही सोच के बार बार मैसेज करने वाली होती है पर मैसेज नहीं करती। वैसे वहाँ पर जाओ आ जाता है जो बहुत सी फाइल्स उठाकर लेकर आया हुआ था और कहने लगता है कि मैं तुम्हें सपोर्ट करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ मिलकर टिंगटिंग को वापस लूंगा, उसकी कस्टडी हम वापस ले लेंगे, मैंने बहुत से केसेस को पढ़ा है और कुछ केसेस तो ऐसे है जो बिल्कुल हमारे केस के साथ मिलते हैं, वो लोग भी जीते हैं तो इसका मतलब हम भी जीत सकते हैं। इस तरह बहुत सी फाइल्स माओ को देते जा रहा होता है, ये देखकर तो
जमाओं की आंखों से आंसू आ जाते हैं और फौरन से जाकर उसे हक कर लेते और कहने लगती है कि मुझे तो लगा था कि तुमने मुझे गिव अप कर दिया है। तो वो कहता है कि कभी भी मैं तुमसे गिव अप नहीं कर सकता और ना ही जिंदगी में कभी तुम्हें अकेला छोड़ूंगा। अब माओ तो उसे थैंक्स कह रही होती क्योंकि वो काफी डर चुकी थी कि शायद जाओ भी उसे छोड़कर चला गया है। और इधर चेंगमन और याओ दिखा जाते जो दोनों साथ में खाने के लिए आए होते हैं। चेंगमन को इतना खुश देखकर पूछे लगता है कि आज इतनी तुम खुश कैसे हो, तो वो दिखाने लगते है कि ये देखो माओ और जाओ वापिस से एक साथ हो गए हैं तो मैं खुश कैसे ना हूँ। और याओ के साथ ड्रिंक करते हुए उसको माओ के बारे में सारी बात बता देते है कि वो डिंग डिंग की कस्टडी लेना चाहती और उसके एक्स हस्बैंड ने तो उसे डिंग डिंग से मना भी कर दिया मिलने से। तो बताते है कि जाओ ने मुझे होटल में एक फंक्शन बच्चों का रखने को बोला है और मैं वो फंक्शन करूंगी। तो वो कहता है कि क्या ये मुश्किल नहीं हो जाएगा क्योंकि ये वेडिंग से भी ज्यादा मुश्किल होता है। तो वो कहती है कि एक तरफ मेरी बेस्ट फ्रेंड है और दूसरी तरफ मेरा भाई है, तो मैं उनके लिए ये सब क्यों नहीं करूंगी और मुझे खुद पर यकीन है कि मैं कर लूंगी, तुमने भी वहां पर आना है। तो वो कहता है कि पेरेंट्स फंक्शन में मैं वहां पर क्या करूंगा, मैं तो तुम्हारा लवर हूं ना। तो चेंगमन कहती है कि 14 को हो रहा है। तो कहने लगता है कि क्या मतलब, तो वो कहती है कि वैलेंटाइन डे होता है, जिस पर वो कहने लगता है कि वो तो फरवरी में नहीं होता। तो चेंगमन उसे कहती है कि देखा तुम काम कितना करते हो, तुम्हें तो ये बात भी नहीं पता कि हर मंथ की 14 को लवर डे होता है, तो इसका मतलब तुम भी वहां पर आ सकते हो। वो जल्दी हाँ नहीं कर रहा होता, चेंगमन भी उसे हाँ करवा लेती है। अब माओ डिंग डिंग के स्कूल में जाती है, वहां पर टीचर से जाकर इस बारे में बात करती है कि हम फंक्शन रख रहे हैं शिन आली में, वहां पर आपको इनवाइट करने के लिए आई, स्कूल के सभी बच्चे आएंगे अपने पेरेंट्स के साथ और जो भी एक्सपेंसेस वगैरह होंगे वो मेरी तरफ से होंगे, आप लोगों ने इस चीज की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। पर वो कहने लगती है कि टिंग टिंग के डैड ने बताया कि आपको कोई माइंड का इशू है इसी वजह से आपको टिंग टिंग से मिलने से मना किया है। तो माओ ये बात सुनकर कहती है कि आप ही तो मदर हो और मैं भी मदर हूँ, मैं अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ। हाँ कुछ गलतियां मैंने की हैं पर मैं उन गलतियों को सुधारना चाहती हूँ, मैं अच्छी माँ बनना चाहती हूँ, मुझे ये तो मौका मिलना चाहिए ना। पर वो मना कर देती है कि हमें कोई भी फंक्शन नहीं चाहिए। अब यहाँ पर जाओ कह देता है कि मैं इनका लॉयर हूँ, इनको बच्चे से मिलने का हक है, अगर कोई भी इशू होता है तो वो मुझ पर होगा, आप लोगों पर जरा भी इल्जाम नहीं आएगा, इस बात की तो बिल्कुल टेंशन छोड़ते हैं। अब ये बात सुनकर वो कहती है कि चले ठीक है मैं इस बारे में प्रिंसिपल से बात करूंगी। माओ तो इतनी खुश हो जाती क्योंकि फाइनली वो प्रिंसिपल से बात करने के लिए मान गई थी। और ये बात आकर वो चेंगमन को भी बता रही होती है, चेंगमन भी उसके लिए खुश हो रही होती है। वैसे वहां से लियोन गुजर रहा होता है, चेंगमन को बाहर बैठे देखकर उन्हें ग्रीट करने के बाद वहां से गुजरते हुए अपने दोस्त से कहने लगता है कि पहले इनके रिलेटिव्स आते रहे, अब दोस्त आ गए जिसने पूरा गार्डन ही ले लिया है। अब उनकी बातों को माओ ने भी सुन लिया तो कहने लगती है कि ये बहुत ज्यादा मीन बातें नहीं कर रहे थे। तो वो कहती है कि इसकी बातों को इग्नोर करो, जब से मैं शिनाली में आई हूँ तब से इसे मुझसे मसला है, आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ठीक हो जाएगा। माओ कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ट्रबल क्रिएट तो नहीं कर रही हूँ ना, तो वो कहती है कि नहीं नहीं कोई इशू नहीं है। और रात में चेंगमन घर पर वापस आकर अपनी बालकनी से जब बाहर देख रही होती है तो याओ प्लांट्स पर काम कर रहा होता है, उसे काम करते देखकर उसे याओ के साथ गुजारी सभी मेमोरीज याद आ रही होती है और उन्हीं को याद करते हुए वो खुश हो रही होती है। और इधर हमें जियो दिखाई जाती है जो बैठकर नूडल्स खा रही होती है, तो उसके मामा आकर डांटे लगते है कि तुम ये बाहर की चीज क्यों खा रही हो, तो वो अपनी माओ से खींच कर वापिस से खाने लग जाती है। अब जब उसकी माम उसके पास बैठती है तो वो इनविटेशन कार्ड देने लगते है जो कोई और इनविटेशन कार्ड नहीं होता बल्कि वही पेरेंट और चाइल्ड वाला इनविटेशन कार्ड होता है शिनाली की तरफ से, जिसे देखकर वो कहने लगती है कि शिनाली तुम वहाँ पर क्या करने के लिए गई थी। तो वो कहती है कि आपको तो ये भी नहीं पता कि मैं पिछले हाफ मंथ से वहीं पर तो काम कर रही हूँ। ये सुनकर तो वो फौरन से गुस्सा हो जाती है कि तुम वहाँ पर काम क्यों कर रही हो, तो वो कहती है कि मैं वहाँ पर काम क्यों नहीं कर सकती। अब जी और मिसेज एंग की आपस में लड़ाई स्टार्ट हो जाती और इसी में वो कहने लगती है कि चेंगमन ऐसी लड़की है जिसने पहले याओ को अपनी तरफ कर लिया और उसके बाद तुम्हें भी अपनी तरफ कर लिया मेरी अपनी बेटी को। तो कहती है कि उनकी मॉम आपके जैसी तो नहीं है जिन्हें अपनी बेटी की केयर ही नहीं है, उनकी मॉम बहुत ही ज्यादा केयर करती है। यह सुनकर मिसेज एंग कहती है कि क्या तुम मुझे उसकी मॉम के साथ कंपेयर करिए, तो वो कहती है कि हाँ मैं क्यों ना कंपेयर करूँ, आप पहले अच्छी माँ बनकर दिखाएं तब मैं अच्छी बेटी बनकर दिखाऊंगी। वो तो ये सब बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। इधर हमें होटल के गार्डन में सभी तैयारियां दिखाई जाती जो चल रही होती है, बलून्स वगैरह लग रहे होते हैं, पर वहीं पर फैंक्सी आता है जो हर जगह पर कॉल कर रहा होता है, पर उसे पता लगता है कि जो उसने स्टील का स्टैंड बनाने के दिया था वो नहीं बना था और ना ही उसे कोई और पर्सन मिला होता है जिससे वो जल्दी से ले ले, और वो काफी ज्यादा परेशान होता है ये सारी बातें पीछे से लियान भी सुन रहा होता है। वो फौरन से आकर फैंक्सी को ऐसे मिला होता है कि जैसे कोई बचपन का दोस्त हो और कहने लगता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं, तो बताने लगता है कि मैं इधर काफी बड़ी पोस्ट पर हूँ, इस तरह बातें बातें करने लगता है और कहने लगता है कि मैंने सुना है आपको स्टैंड का इशू हो रहा है, मेरे पास एक ऐसा दोस्त है जिसके पास ये आपका इशू हल हो जाएगा और मैं आपको वहाँ से डिस्काउंट भी दिलवा दूंगा। ये सुनकर तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि तुमने तो मेरी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। वो इस पर ये सारा काम छोड़कर चला जाता है। अब ये लड़का कोई ना कोई पंगा तो जरूर लेगा जिससे चेंगमन को नुकसान हो उसी पर नाम आए। और इधर याओ ऑफिस में दिखाया जाता है जिसने चेंगमन के लिए एक गिफ्ट भी बाय कर लिया था, उसी गिफ्ट को देख रहा होता तो हेडोंग कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर बैठ कर रोमांस याद आ रहा है और कंपनी में इतना मसला पड़ा हुआ है। तो वो कहता है कि अब मिसेज एंग ने क्या कर दिया, तो वो बताता है कि उन्होंने हमारी एक्सेस ही बंद कर दी है। तो याओ कहने लगता है कि चलो देखते हैं कि अब उसने हमारे लिए क्या ही सरप्राइज प्रिपेयर किया हुआ है। और इधर होटल में सभी बच्चे वगैरह भी आ गए थे और चेंगमन भी एक एक स्टाफ को हेलो करते हुए आ रही होती है, तो आगे से जियो भी मिल जाती है जो पिक्स बनाने के काम पर लगी हुई थी क्योंकि उसको शिनाली के सोशल मीडिया को संभालने का काम मिला हुआ था और वो इसी की तो जॉब करती आ रही थी। और चेंगमन
कंगन उसे पूछे लगते है कि तुम काफी डर लग रही हो, क्या हुआ है? तो वो बताते है कि मैंने अपनी मॉम को भी इनवाइट किया था, पर हमेशा की तरह वो कभी भी यहाँ पर नहीं आएंगी। मैं उन्हें दिखाना चाहती थी कि मैं क्या कुछ कर सकती हूँ। तो चैंगमन कहते है कि तुम्हें अपनी मॉम को दिखाने की जरूरत नहीं है कि तुम क्या कर सकते हो, बस तुमने करना है। वो खुद ब खुद ही एक दिन देख लेंगी। ये कहकर वो जियो को अपने साथ लेकर जाने लगती है। और इधर याओ भी मिसेस जेंग के पास पहुँच जाता है। उनके पास जब पहुँचते है तो कहने लगता है कि हमारी एक्सेस दे दो हमें। वो कहते है कि मैं क्यों दूँ, तुम्हें पता नहीं है कि अभी भी मैं प्रेसिडेंट की सीट पर बैठी हुई हूँ। अगर तुम मेरे साथ मिलकर काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी हर चीज को फ्रीज कर सकती हूँ। तो याओ उसकी इस बात पर से कुछ भी नहीं कहता। तो वह कहने लगते है कि अभी मेरी एम्बर से मीटिंग होने वाली है ऑनलाइन, तो तुम भी यहीं पर बैठ जाओ ना, मेरे साथ ही मीटिंग ज्वाइन कर लो। तो यह सुनकर वो वहीं पर बैठ जाता है चुप करके। अब एम्बर अपनी मीटिंग में शिनाली होटल के बारे में पूछा होता है, उसे चैंगमन के बारे में भी पता था। अब चैंगमन का सुनकर याओ को यही होता है कि मिसेस जेंग ने एक एक बात इन्हें बताई है। अब याओ ने भी कुछ प्लानिंग वगैरह पहले से की हुई थी, जिस प्लानिंग का ना तो हेडोंग को पता था ना ही मिसेस जेंग को पता था। वो जब अपने प्लान के बारे में एम्बर को बताता तो वो फौरन से खुश हो जाता है। कहने लगता है कि हाँ ठीक है, तुमने इसी पर काम करना है। और मिसेस जेंग का तो मुंह देखने वाला होता है। याओ कहता है कि अब हमें हमारी एक्सेस दे दे। एम्बर भी ये बात मिसेस जेंग को बोल देता है तो उसे भी सारी एक्सेस उसे वापस से देनी पड़ती है, जिसके बाद एम्बर की तो कॉल कट हो जाती और याओ भी वहाँ से जाने लगता है। पर मिसेस जेंग उसे आवाज देकर अपने पास वापस से बुला लेती है। तो वो भी एक ही बात मिसेस जेंग से कहता है कि शिनाली में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने कुछ भी किया तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहा हेडक्वार्टर में वापस लौटने का। तो मिसेस जेंग कहने लगती है कि ये मत बोलना कि तुम्हें यहाँ तक कौन लेकर आया। तो वह कहता है कि मैंने उसके लिए जो करना था मैंने कर दिया, आपको प्रेसिडेंट की सीट चाहिए थी वो भी आपको वापस मिल चुकी है, तो अब मेरा इस चीज के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, और आप भी शिनाली का ख्वाब देखना छोड़ दें वरना बहुत बुरा होगा। ये कहकर याओ वहाँ से चला जाता है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।